हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर नितिका शर्मा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर। कौन बायोलॉजी के चैप्टर्स डिस्कस नहीं कर रहे, अपन ने लास्ट में इकोलॉजी का चैप्टर डिस्कस किया था, याद करो। अब क्या करते हैं कि अपना 16 फेब को एमपी बोर्ड का अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, और अपने आरबीसी के बोर्ड भी नज़दीक आ रहे हैं। तो फिर अपने क्या करते हैं, यूपी बोर्ड हुआ, अदर अदर टाइप के जो अपने बोर्ड्स हैं, वो क्या अपनी उनकी डेट है बायोलॉजी के एग्ज़ाम की, वो बहुत ही क्लोज है। तो फिर अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से क्या अपने को थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने में अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी का ये चैप्टर, सॉरी, ये बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने पूरा बायोलॉजी का सिलेबस है, उनके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने की प्रॉबेबिलिटी है अपने एमपी बोर्ड के अंदर, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। देखो, ये जो पेपर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर आप अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। ठीक है, अभी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों, और बायोलॉजी का क्या कर रहे हैं, अपने पेपर डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एमपी बोर्ड, जिसका एग्ज़ाम है अपनी 16 फेब के लिए, ठीक है। अभी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। अपने को क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मीलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का रेशियो क्या था। वॉट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन इन द मीलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको मैं साथ में इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ना है, बाई लैंग्वेज स्लाइड्स है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल शो कौन सा, होमोलॉजी दिखाती है, एनोलॉजी दिखाती है, एटाविज्म शो करती है, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि मीलर का जो एक्सपेरिमेंट था, वो यही तो एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में ये दे रखा है ना, ये डायग्राम दे रखा है किसके लिए, मीलर के एक्सपेरिमेंट के लिए। वहाँ पे देखो क्या है, अपने को दे रखी थी यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस यूज़ की थी, एक तो अमोनिया थी और एक अपनी मीथेन थी, हाइड्रोजन था और एक वाटर था। तो यहाँ इसने ये रेशियो पूछा था इन गैसेस का, तो उसमें देखो एक तो हाइड्रोजन था, अमोनिया थी और अपने CH4 मतलब कि क्या था, मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजन, मैं तो इसको ऐसे याद रखती हूँ कि 2 से 2, यानी कि ये जो 2 है यानी कि इसका रेशियो भी 2 आएगा, इसका रेशियो 2, तो इसका रेशियो 2 आएगा, 4 दे रखा है तो इसका आधा करके 2, और इसका रेशियो आएगा 1, यानी ये 2:1:2 का रेशियो था अपना हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन के लिए, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। मीलर का एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि मान लो तुम्हारे क्वेश्चन आ गया कि मीलर का एक्सपेरिमेंट के ऊपर यदि तुम्हें 1 नंबर का कुछ लिखना आ गया तो फिर तुम क्या लिखोगे, ठीक है। मीलर का एक्सपेरिमेंट देखो, इनमें क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट द कंडीशन आर अर्थ, मतलब ये सिचुएशन बता रहा है पहले कि ये अर्थ पे क्या सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से रिलेट किया था। कैसे किया था देखो, कि जैसे कंडीशन अर्थ की उस टाइम की पे क्या थी, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और कंटेनिंग CH4, अमोनिया, ये सब थी। तो फिर मीलर, एसएल मीलर ने क्या किया, 1953 के अंदर उन्होंने सिमिलर सी कंडीशन ली जो यहाँ पे अपने अर्थ के ऊपर थी, कहाँ पे ली, एक लेबोरेटरी स्केल पे ली, और उन्होंने क्या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इन क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग दिस दिस दिस। ये अपन ने रेशियो ले लिया कि 2:1:2 का रेशियो था ये हाइड्रोजन और अमोनिया, और ये अपना मीथेन का रेशियो यहाँ पे ये लिया था। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, आंसर भी बता रहे हो कि अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि क्या कि सिर्फ मैं ऐसे नहीं कि एमसीक्यूज ही करवा दूँ, एमसीक्यूज के पीछे का जो टॉपिक है वो भी अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको तो सबको ही पता था कि 2:1:2 का रेशियो होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा इसको मैं हर जो टॉपिक का क्वेश्चन ले रही हूँ उसको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, ताकि क्या तुम ऐसे नहीं हो कि उस क्वेश्चन, उस टॉपिक का पर्टिकुलर तुम वो वन वर्ड वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उस टॉपिक को लिखना भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि 800 डिग्री का टेम्परेचर होता है, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि क्या होता है,
कि यहाँ पे एमिनो एसिड्स बनते हैं, और सिमिलर एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पे भी ऑब्जर्व हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स वगैरह हुए थे. यानी कि दोनों चीज़ें ऐसे थोड़ी सी उन्हें सेम रिलेट हुई थी, इसलिए अपने ये ना केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे लिखा वही होगा कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टिव स्टोरी इज केमिकल इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन यानी कि अपना जो इवोल्यूशन हुआ है वो केमिकल से हुआ है, इन सब गैसेस से हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट क्या करता था, प्रूव करता था. ठीक है, ये तो आपने आंसर बता ही दिया. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 212. द फिन्स ऑफ द फिशेस, ये भी अभी कमेंट सेक्शन में आ गया था. इसका कौन सा वाला है, एनालॉजी, मतलब ये एनालॉगस है. ठीक है, एनालॉगस का एक और एग्जांपल बता दो मुझे. सबसे पहले क्या करते हैं, होमोलॉगस एनालॉगस का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि होमोलॉगस में क्या होता है, उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है, यानी कि उत्पत्ति या फिर उद्भव होता है, उत्पत्ति उद्भव होता है वो इनका सेम होता है, बट फंक्शन इनके क्या होते हैं, फंक्शन डिफर करते हैं. यानी कि उत्पत्ति और उद्भव, यानी कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो इनका सेम होता है, बट इनके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं डिफरेंट होते हैं. इसमें इनका उल्टा होता है. ठीक है, कि सेम फंक्शन होता है बट ओरिजिन इनका सेम. देखो, फंक्शन से रिलेट नहीं करना, एक्चुअल डेफिनेशन है वो ओरिजिन से होती है, कि जिसका ओरिजिन सेम है वो होमोलॉगस में आएंगे, और जिनका ओरिजिन सेम नहीं है वो एनालॉगस में आएंगे. फंक्शन से डिसाइड मत करना कि कौन होमोलॉगस है कौन एनालॉगस है. मेन फर्स्ट अपन प्रायोरिटी देते हैं किसको, उत्पत्ति या उद्भव, यानी कि ओरिजिन को. ये टर्म याद रखना कि ओरिजिन से ही अपने पता करते हैं. तुम पहले चेक करो तो क्या करोगे, ओरिजिन चेक करोगे, ऐसे नहीं कि तुम फंक्शन देख रहे हो पहले. ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, एनालॉजी बता ही दिया था एक बच्चे ने. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो, ये अपन को एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा था ना, ये अपने होमोलोगस ऑर्गन्स वाले की, बोगेनविलिया का जो थोन है वो, और अपने कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल है वो, और ये इन सब के जो लिम्स वगैरह हैं ये क्या है, होमोलोगस है. ठीक है, स्क्रीन क्लियर नहीं है मैम, जूम कर दीजिए. होमोलोगस एनालोगस का मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन क्लियर नहीं है आपको, ठीक है थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं. ठीक है, अब अच्छे से विजिबल है ना होमोलोगस और एनालोगस का. ठीक है, अब प्रॉपर विजिबल है. ओके ओके ओके, ठीक है, ये अपन ने बता ही दिया. ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, होमोलोगस और ये अपने एनसीईआरटी वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वहां से पिक किया हुआ है. ठीक है, ठीक है, इसमें बता रखा है कि इन्होंने क्या होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी को बताया कि होमोलॉजी इंडिकेट्स करती है कॉमन एंसेस्ट्री को. मैंने बताया नहीं कि उत्पत्ति और उद्भव क्या होते हैं इनके, या फिर ओरिजिन बोल दो इसको, ओरिजिन या फिर उत्पत्ति उद्भव क्या होते हैं, उद्भव सेम होते हैं. ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा कैमरा सेट करती हूँ. ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया था होमोलोगस और एनालोगस का, ठीक है, वही डेफिनेशन थी कि मेनली अपने को देखना होता है होमोलोगस के अंदर कि क्या ओरिजिन क्या होनी चाहिए, अपना सेम होना चाहिए, और फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. और एनालोगस में क्या होंगे, ओरिजिन होगा वो अलग होगा, और फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन सेम हो सकते हैं. ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला है, ये आपको रीड करवाना है तो मुझे बोल देना, बाकी मैंने मेन बता दिया कि क्या होता है. ठीक है, चलो पढ़ ही देती हूँ मैं. ठीक है, होमोलॉजी इंडिकेट्स करती है कॉमन एंसेस्ट्री को, मतलब कि उनका ओरिजिन होता है वो सेम होता है. अदर एग्जांपल्स क्या है, ये देखो सारे एग्जांपल तुम याद करना. एक तो वर्टिब्रेट का जो हार्ट और ब्रेन्स होते हैं उनके डेवलप्ड होने का एक वो जो पर्टिकुलर, मैम कैमरा सेट है, आवाज़ भी क्लियर है, ओके ओके थैंक यू बच्चे. ठीक है,
अदर एग्जाम्पल्स क्या है, वर्टिब्रे के जो हर्ट है और उनके ब्रेन्स हैं, सब वर्टिब्रीज के हर्ट और सब वर्टिब्रीज के ब्रेन हैं, उनका पर्टिकुलरली जो ओरिजन है वो सबका सेम है। यानी कि क्या हुआ कि ओरिजन सेम हो गया, तो फिर ओरिजन सेम हो गया तो वो कौन से हैं, वो एनालॉगस है। ठीक है, इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ द बोगेनविलिया, ये एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तुम देखो इसमें क्या करना है, तुम एक तो डेफिनेशन याद कर लो और एक अपने एग्जाम्पल याद कर लो जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस इतना सा करना है। ठीक है, कुकुरविटा और ये वाला एग्जाम्पल भी देख लिया, होमोलोजीज। और एक चीज़ और देखनी है कि होमोलॉजी क्या होती है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है। डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब ऐसे और कन्वर्ज हो रहा है तो फिर मतलब ऐसे इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, ये डाइवर्जेंट है और ये अपना कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज और बर्ड लुक लाइक, ये जो एग्जाम्पल दिए थे बटरफ्लाइज के, वेल के, विंग्स वगैरह के, ठीक है, वो इसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये होते हैं अपने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। ठीक है, तो होमोलोगस वाले क्या हो, गुड इवनिंग। ठीक है, होमोलोगस में क्या होते हैं अपना कौन सा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस में क्या होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो तुम्हें कितनी चीज़ें याद रखनी थी यहाँ से, और कुछ याद नहीं करना, एक एग्जाम्पल यहाँ से और ले लेना कि जो अपनी आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स की जो आँखें हैं उनका एनालॉजी होता है, मतलब एनालॉजी इवोल्यूशन है, और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहाँ से हो गए और वहाँ से भी अपने कितने, तीन एग्जाम्पल वहाँ से हो गए। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे, पहले ओरिजिन बताना, फिर फंक्शन बताना, फिर डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट है वो बता देना, और उसके बाद क्या बताना है ना, एग्जाम्पल्स बता देना। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से, इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत सिंपल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, और निम्न में से लाभदायक कीट कौन सा है, पेरीप्लेनेटा, दूसरा है मस्का, फिर है तीसरा है बॉम्बिक्स और मच्छर। इंग्लिश में पढ़ना है तो देख लो, वू डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, देखो किसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, द बेनिफिशियल इंसेक्ट इज फॉलोइंग विच। ठीक है, वाओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एकदम सही आंसर है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की डिस्कवरी थी की थी। जल्दी से मुझे ये बता दो कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वो एक सडन एक घटना थी, अचानक से इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो वो जो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, जल्दी से मुझे ये बता दो, पहले कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। वो अपने काम कर रहे थे किस पे, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जैसे मैं इस बैक्टीरिया पे काम कर रहा हूँ तो अपने मेरे पास में वो जो कल्चर मीडियम था उसके पास में क्या, मोल्ड डेवलप हो गई, मोल्ड मतलब कवक डेवलप हो गई है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये मेरा बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। फ्लेमिंग ऐसा सोच रहा था कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि इट वॉज ड्यू टू एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है बाय द मोल्ड, किसके द्वारा, मोल्ड के द्वारा, जिन्होंने जिसको इन्होंने नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम इस कवक का नाम दिया, और वहां से क्या पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल रिलीज हो रहा है। ठीक है, पेनिसिलिन नाम का अपना क्या है, पेनिसिलिन नाम का केमिकल रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से पेनिसिलियम नोटेटम उस मोल्ड का नाम दिया और ये अपनी डिस्कवरी हो गई। और एनसीईआरटी में ऐसे भी ये देखो लिख रखा है कि उसके बाद में अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको और अच्छे से मतलब एक पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में किसने एस्टेब्लिश किया, तो फिर उसमें नाम आएगा किसका, अर्नेस्ट और फ्लोरे का, अर्नेस्ट चैन और फ्लोरे का नाम आएगा। और उसके बाद कोई पूछ ले कि ये जो एंटीबायोटिक थी ये कहाँ पे यूज़ की गई थी, इसको यूज़ किया था वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर जो अपने अमेरिकी सोल्जर थे उनको मतलब हील करने के लिए काम में लिया गया, और उसके बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, किसको, फ्लेमिंग चैन और फ्लोरे को। ठीक है, क्योंकि तीनों आ गए ना, फ्लेमिंग ने तो सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसके बाद में इन दोनों ने भी इसको और ज़्यादा अच्छी एंटीबायोटिक के रूप में स्टेब्लिश, किसने किया था, मतलब फ्लेमिंग ने तो खोज दिया था लेकिन एंटीबायोटिक के रूप में किसने एस्टेब्लिश किया था, अपने अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, उसके बाद ये देखो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस बैक्टीरिया का नाम बता दो, बैक्टीरिया है या फिर जो भी है बताओ, कि
कि नेम द कॉजेटिव पैथोजन ऑफ अमीबियसिस. जो अमीबियसिस होता है, अमीबियसिस वो किस वजह से होता है वो बताओ, किस वजह से होता है अमीबियसिस होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. ठीक है, ये अपना, ये है अपना प्रोटोजोअन पैरासाइट. प्रोटोजोअन पैरासाइट है. ठीक है, इस प्रोटोजोअन पैरासाइट के कारण क्या होता है, अपने को अमीबियसिस हो जाता है. और अमीबियसिस के बाद में क्या होता है, ठीक है, उसमें अपने को, जैसे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये जो प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है वो कहाँ पे अपना ग्रोथ करता है, मतलब जाता कहाँ पे है बताओ. मैं ऑप्शन देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कहाँ पे ये अल्टीमेटली जाता है, तो इसका मुझे आंसर बताओ. फिर ये क्या करता है, अपने को क्या क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, ये सब अपने को सिम्टम्स आते हैं. और ये किसके वजह से होता है, कि ऑरल फीकल रूट होता है उसके द्वारा, यानी कि संक्रामित भोजन करने से फैलता है. ठीक है, तो फिर मेन तो इसमें क्या, अमीबिए का एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये याद रखना है, ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है ये याद रखना है. और ये रहता कौन सा है, लार्ज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आप बता रहे हो मुझे, बता दो जल्दी से कमेंट में. ठीक है, वहाँ पे रहता है. और ये क्या करता है, अपने को क्रैम्स, एब्डोमिनल पेन्स वगैरह ये सब करता है. ठीक है, तो ये है कहाँ रहता है, ये रहता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, वहाँ पे ये इन्फेक्ट करता है. ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में ये दे भी रखा है. ठीक है, मैं ना साथ में एनसीईआरटी का वो इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि तुम्हें पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन पिक हो रहा है वो इस चैप्टर के कौन से पार्ट से पिक हो रहा है. हाँ, इंटेस्टाइन में होता है, सही बोला आपने. ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में, विच कॉजेज क्या, अमीबियसिस. और इसके सिम्टम्स क्या है, देखो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, और स्टूल में क्या होता है, एक्सेस म्यूकस और ब्लड के क्लोट भी आने स्टार्ट हो जाते हैं. और इसका वो वेक्टर कौन होता है, हाउस फ्लाइज होती है, वो इसको कैरियर होता है, इनका मकेनिकल कैरियर, और ये ट्रांसमिट करती है इस डिजीज को फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड वगैरह, मतलब फूड वगैरह ऑरल फिकर रूट के द्वारा ये क्या करता है, ट्रांसमिट होता है. ठीक है, ठीक है, ये मेनली क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में रहता है. ठीक है, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, ये देखो लिख भी रखा है कि इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसके आने के चांसेस तो बहुत कम हैं, पर ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि पिक कर लेते हैं. मेंडल और डार्विन का नाम पूरा, पूरा नाम कौन बताएगा, मेंडल का, मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोन मेंडल. क्या नाम है, ग्रेगर जोन मेंडल. इस पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से नाम देख के चलते हैं. और डार्विन का क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. ठीक है, राइटिंग विजिबल है तो थोड़ा अच्छे से लिखूं मैं, नहीं है तो मैं अच्छे से लिखती हूँ. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा आपको सोचना है कि विनेगर प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ में आता है. ठीक है, जिस किसी ने भी जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि विनेगर को उसने कहाँ से रिलेट किया है. ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, विनेगर होता है वो होता है एसिटिक एसिड. ठीक है, और एनसीईआरटी में देखो माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, ठीक है, हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है, मेंडल. ठीक है, फिर क्या है कि अपने डिस्कस कर रहे थे किसमें, विनेगर का. विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड इसका मतलब केमिकल नेम है. तो एसिटिक एसिड का बैक्टीरिया तुम याद करो, ठीक है, कि अपनी एनसीईआरटी में एसिटिक एसिड से क्या दे रखा था, अपने को दे रखा था एसिटो, बताओ क्या दे रखा था, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटो बैक्टर एसिटाई. ठीक है, ये अपना बैक्टीरिया का नाम है. ठीक है, तो इसको रिलेट करना था किससे, विनेगर. विनेगर का मतलब क्या हुआ, विनेगर में
विनेगर का केमिकल नेम होता है क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मेरे को ये बताओ कि जो राइजोबियम होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम, जो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव है, एसिडोबैक्टर, करेक्ट आंसर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो राइजोबियम है उसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, मतलब उसको क्यों यूज़ लेते हैं ये बताओ मेरे को, ठीक है। ठीक है, देखो राइजोबियम क्या करता है, ये करता है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अपना एनसीईआरटी में जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है वहाँ पे देखना कि जो लास्ट पैराग्राफ दे रखा है अपने को, वहाँ पे ही राइजोबियम के बारे में 2 लाइन लिखी हुई है कि राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एग्रीकल्चर में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या कि अलग अलग, जैसे क्या करता है कि जो अपनी वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करता है, मतलब कि एक पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता है, वो अपन कहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो अपने इकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा था, 1 वर्ड का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। इसको यहाँ से एनसीईआरटी से रीड करो, ठीक है, अब अच्छे से विजिबल है ना, ठीक है। यू हैव स्टडीड अबाउट द मॉड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ द, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए कि राइजोबियम पाया जा कहाँ जाता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं अपने, हाँ, फिक्सिंग नाइट्रोजन में हेल्प करता है। नोड्यूल्स देखो अपने क्या लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, वो नोड्यूल्स क्या करते हैं, वो राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने अंदर रखते हैं और एक सिम्बायोसिस बनाते हैं। ये देखो सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है राइजोबियम का इनकी रूट्स के नोड्यूल के साथ में, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज बाय द प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रख लो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स ऑल्सो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वायल फ्री लिविंग इन द सॉइल, यानी ये क्या है, ये फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग कौन सॉइल में रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, तो वो है अपना एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर, ठीक है। इनको याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है, पहले, ठीक है, कि जो मुक्त जीवी रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर सकता है, ये आ सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्री लिविंग इन द सॉइल कौन से ऐसे जो बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, अपने फ्रीली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन जो फर्मेंटेशन किया जाता है अपनी टी लीव्स का, वो किसके द्वारा होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कौन से माइक्रोब्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये अपने को एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देती हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा, तो इसका होगा, इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, ये लिख दूँ क्या, इसका आंसर है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने जो टी की लीव्स होती है उनको फर्मेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि कोमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड जो अपना जुकाम होता है सर्दियों में, ठीक है, वो जो कॉमन कोल्ड है वो ह्यूमन में कौन से वायरसेस के द्वारा होता है, ठीक है, कौन से वायरस के द्वारा होता है। तो सबसे पहले एक तो अपने को पता ही है कौन सा, राइनो वायरस, राइनो वायरस, और एक अपना होता है एडीनो वायरस, ठीक है। ये तो आप अच्छे से याद कर लेना दोनों वायरसेस के नाम, ठीक है, क्या क्या, एक तो, अच्छा इसका बेसिलस भी है क्या, चाय वाला जो फर्मेंटेशन का, इसको मैं एक बार क्लियर करके, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्परजिलस के द्वारा होता है, और भी अलग अलग बैक्टीरियाज भी मैंने पढ़े थे, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन मैंने इस एस्परजिलस इसलिए बताया क्योंकि ना ये एनसीईआरटी में सीधा उस चैप्टर में दे रखा था एस्परजिलस नाइगर माइक्रोब्स वाले में, ठीक है। और वायरस का तो हो ही गया, राइनो वायरस और एडीनो वायरस, उसके अलावा जैसे जैसे मैंने दो बताए, मैं और भी बता सकती हूँ, कोरोना वायरस होता है वो भी फ्लू करता है, कॉमन कोल्ड करता है, आरएसवी वायरस होता है रेस्पिरेटरी सीवियर वायरस, वो भी करता है, ठीक है। ऐसे तुम मेनली ये दो बता देना, कौन सा अपना बता देना, एक तो राइनो और एक अपना एडीनो, ठीक है। फिर इसने बोला है कि क्या, कि जो अपना बीटी कॉटन है उस पर अपने को राइट ए नोट, एक टिप्पणी लिखनी है,
तो देखो बीटी कॉटन को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि बायोटेक का ये मतलब मेन जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पिक होते हैं, ठीक है, कहाँ से होते हैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। इसको पहले पढ़ते हैं कि सम ऑफ द, ये प्रॉपर विजिबल है क्या, या थोड़ा सा और जूम करूँ मैं? क्लियरली विजिबल, ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल्स आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। क्या बनाते हैं अपने बायोटेक की मदद से, अपने बायोटेक की मदद से प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का, कि ऐसे अपन पौधे बना ले कि उन पे अपने को क्या हो, कि अपने जो फसल होती है वो फसल मोस्टली ख़राब क्यों होती है, उन पे क्या अलग अलग टाइप के कीड़े लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, और वो कीट क्या करते हैं अपनी फसल, अपने अपनी जो क्रॉप्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करो, अपने जो जैसे मान लो प्लांट है, इस प्लांट पे पर्टिकुलर इंसेक्ट आ रहा है और इसको डिस्ट्रॉय करके जाता है। जैसे गेहूं का खेत अपने हैं, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक है वो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, और अल्टीमेटली जैसे 1 ईयर के बाद देखते हैं तो अपने को अपनी फसल में बहुत नुकसान दिख रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने क्या कर सकते हैं, बायोटेक का यूज़ करके अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे करें कि अपने को जो गेहूं का जो अपने प्लांट लिया है, उस प्लांट को ही क्या करो, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट बना दो, कि जैसे ही मान लो कोई पेस्ट आएगा उसको खाने के लिए, या उसके पर्टिकुलर किसी पार्ट को खाने के लिए, तो फिर क्या होगा, उसकी खुद की ही डेथ हो जाएगी। मतलब वो प्रॉपर जो प्लांट ही है वो प्रॉपर प्लांट ही क्या, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, विच कुड बी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। अपने देखो कितने पेस्टिसाइड यूज करते हैं उन पेस्ट को मारने के लिए, तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये होता है कि अपन क्या प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दे, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पैसे लगाने वाली सी बात होती है, क्योंकि बायोटेक ऐसे इजीली तो वो होती नहीं है कि तुम कहीं भी अपने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना के बैठ जाओ, ठीक है। ये तो सब साइंटिस्ट का काम है। विच कुड डिक्रीज द पेस्टिसाइड यूज, फिर क्या, देखो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजियसिस। बैसिलस थुरिंजियसिस बीटी, बीटी का सबसे पहले तो तुम क्या करो, नाम याद करो, बीटी का मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया से ये टर्म उठाई गई है, बैसिलस थुरिंजियसिस, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ फिर भी रेजिस्टेंसी आ गए, इन अफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड्स, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स बन गया विदाउट एनी केमिकल। और इनके एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, कॉटन का ऐसा प्लांट बनाया जो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो, ये सब बनाए, ये सारे क्या थे, पर्टिकुलरली किसी पेस्ट के लिए क्या रेजिस्टेंस थे, ठीक है, रेजिस्टेंट थे। अब देखो बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन क्या था, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजियसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बीटी कॉटन को देखो क्या था, कि जो बैसिलस थुरिंजियसिस अपना बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर स्ट्रेन थी, वो क्या करती थी, ऐसी कुछ प्रोटीन्स बनाती थी, उसकी वजह से क्या होता था अपने, कि वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट था वो अपने किल हो जाता था, वो अपने मर जाता था। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन। सबसे पहले एज अ लैपिडो, लैपिडोरेंस, टॉबेको बर्डवॉर्म और आर्मीवॉर्म, ठीक है। फिर कॉलियोप्टेरेंस, इनके लिए दे रखा है बीटल। फिर है डायोप्टेरेंस, इनमें क्या दे रखा है, ये फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ये दे रखा है। तो तुम्हें ना ये तीनों याद रखना है कि लैपिडोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस और डायोप्टेरेंस, उसमें आता है टॉबेको वर्म और टॉबेको बर्डवर्म और आरवी वर्म, और इसमें आता है बीटल्स और उधर आता है फ्लाइज और मॉस्किटोज, ठीक है। फिर है कि बैसिलस थुरिंजियसिस फॉर्म्स प्रोटीन, मैंने बताया कि बैसिलस थुरिंजियसिस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन क्या करती है, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को क्या करती है, किल कर देती है वो प्रोटीन। तो देखो ये एक प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये मैंने बता दिया। वाई डज दिस टॉक्सिन डोंट किल द बेसिलस, एक्चुअली
देखो यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है। एक्चुअली क्या होता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स होती है वो एग्जिस्ट करती है एज ए इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि ऐसे नहीं है कि वो एक्टिव है उसके अंदर ही, उसके अंदर रहेगी तो वो क्या आएगी, इनएक्टिव रहेगी, यानी कि प्रोटोटॉक्सिन के रूप में रहेगी, टॉक्सिन नहीं होगी, प्रोटोटॉक्सिन के रूप में इनएक्टिव रहेगी। और जैसे ही क्या होगा कि जैसे ये इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट ने वो पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि वो प्लांट था उसका कोई भी लीव जैसे खाई, तो फिर क्या होगा, वो लीव गई उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फिर उसका क्या होगा, उसको मिली कौन सी, बेसिक पीएच, एल्केलाइन पीएच मिली, तो वो जो इनएक्टिव टॉक्सिन थी वो क्या हो गई, अपने एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गई। देखो इट कन्वर्टेड इंटू एक्टिव टॉक्सिन, गट के अंदर जो पीएच मिली उसको एल्केलाइन पीएच मिल गई, तो फिर वो क्या, प्रोटोटॉक्सिन से टॉक्सिन में बदल गई, और विच सोलिबलाइज द क्रिस्टल। और एक्टिविटी टॉक्सिन ने क्या किया कि मिडगट के सरफस, मिडगट की जो एपिलियम थी, एपिथीलियम सेल्स है, वहाँ से बाइंड होके इन्होंने क्या वहाँ पे पोर क्रिएट्स कर दिए, और वहाँ की जो एपिथीलियल सेल्स थी, ठीक है, उनमें स्वेलिंग कर दी, उनको लाइसिस कर दिया, उनका अपघटन कर दिया, उनको डिग्रेड करके एक्चुअली ओवरऑल उन्होंने क्या करवा दी, लास्ट में डेथ डेथ कॉज कर दी। ठीक है, किसकी, उस इंसेक्ट्स की, मतलब इंसेक्ट आया, एक प्लांट था, बीटी कॉटन मैंने बना लिया, ठीक है, अपने मैंने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके कॉटन, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया कॉटन के प्लांट का, कॉटन के प्लांट को मैंने क्या कर लिया, बीटी कॉटन बना लिया। ठीक है, अब बीटी कॉटन जो प्लांट है उसके ऊपर कोई पेस्ट आएगा, तो फिर क्या, जैसे उसने उसकी लीव्स को खाया, जैसे उसने उसकी लीव्स को खाया, तो फिर क्या होगा, पहले उस पहले क्या होगा, पहले तो वो जो अपनी टॉक्सिन प्रोटीन्स थी वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, जैसे ही वो क्या हुआ कि वो टॉक्सिन प्रोटीन्स गई उसके पेट के, यानी जीआईटी में गई, उसके जीआईटी के मिडगट में गई, तो फिर उसने क्या किया, उसने इनएक्टिव प्रोटीन को मिल गई अपनी क्या, एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन पीएच मिल गई, तो फिर इनएक्टिव से बदल गई एक्टिन में, और एक्टिन में बदल गई तो फिर क्या, एक्टिव में बदल गई तो फिर क्या हुआ, उसने यहाँ की जो एपिथीलियल सेल्स थी उनको कर दिया डिस्ट्रॉय। ठीक है, और अल्टीमेटली उस जो इंसेक्ट आया था उसकी करवा दी डेथ, तो फिर इंसेक्टिसाइड हो गया ना, मतलब एज अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया ना अपना। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बेसिलस थुरिंजिसिस, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट, एंड मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। देखो बीटी टॉक्सिन्स होती है, ऐसे नहीं है कि हर कोई इंसेक्ट के लिए ही रेजिस्टेंस हो जाती है, वो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई जीन 9, यहाँ पे देखो क्राइजीन होती है, ठीक है, कौन सी, कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, क्राई, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन कोडेड बाई द जीन क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म्स, और क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करता है कॉर्न बॉरर। देखो इसको ऐसे याद रखना, मतलब कि यहाँ से भी तुम्हारा वो बन सकता है, ठीक है, वन वर्ड का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्राई फर्स्ट का क्या है, एक तो ए सी है और फर्स्ट का ए बी है, ठीक है, और एक क्राई का सेकंड का ए बी, क्राई सेकंड ए बी है, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट ए सी और अपना सेकंड ए बी, ठीक है, इनको तो कौन कर रहा है, इनको कर रहा है कॉटन बॉलवॉर्म, मतलब ये तो किन के लिए, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, और जो क्राई फर्स्ट ए बी है वो अपने कॉर्न बॉरर के लिए, कॉर्न मतलब मक्का छेदक बोलते हैं इसको, मक्का छेदक, ठीक है, ठीक है, इसको ना तुम याद रखना कि क्राई फर्स्ट ए सी और सेकंड ए बी, ये कंट्रोल किसको करती है, कॉटन बॉलवॉर्म को, और फर्स्ट ए बी है, फर्स्ट ए बी, ठीक है, वो किसको करती है, कॉर्न बॉरर को, फर्स्ट ए बी किसको करती है, कॉर्न बॉरर को, ठीक है, ये देखो कॉटन बॉलवॉर्म है, यहाँ पे पहले डेस्ट्रॉय कर दी थी बॉलवॉर्म्स के द्वारा, और ये अपनी फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके बारे में सोचो कि टर्म कहाँ से रिलेट हो रहा है, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम किस चैप्टर से उठा के इसको लिखने वाले हो, ये बता दो, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी को,
ऑडिबल ऑडिबल है ना? ठीक है, अब देखो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है. ठीक है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके डेफिनेशन देखो. ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की वॉल्यूम चेक कर रही हूँ मैं फ़ोन से ताकि पता चल जाए मुझे कि सही आ रही है क्या. देखो क्या लिख रखा है. अभी ये 12th बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है एमपी बोर्ड का 16 फेब को, उसके अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, 10th की क्लासेस भी यहाँ पे होती है. ठीक है, टाइम टेबल मैं बता दूँगी कि आई थिंक सुबह के टाइम में होती है 10th साइंस की. ठीक है, उस टाइम पे तुम लेक्चर ले लिया करो मॉर्निंग टाइम में. ठीक है, अभी क्या 5 से 7 अपने ना बोटनी 5 से 7 अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स करेंगे और 2 से 4 अपन करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को अल्टरनेटली और 4 से 5 अपने करते हैं इंग्लिश के पेपर्स. ठीक है, यानी कि 2 से 4 तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने के लिए आ जाया करो, 4 से 5 इंग्लिश के लिए और 5 से 7 तुम बायोलॉजी के चैप्टर्स के लिए. ठीक है, और किसी को 10th का पढ़ना है, 10th का साइंस पढ़ना है तो वो मॉर्निंग में क्लासेस लगती है. ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज मत हो कि कौन सी किसके क्लास चल रही है. ठीक है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस. यानी कि क्या करता है बायोटेक्नोलॉजी में, क्या करते हैं अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, किसी चीज़ का मैनुपुलेशन करते हैं. हेयर एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर वर्ड लिख रखा है, फेर बदल करके, यानी मैनुपुलेशन करते हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते करके क्या करते हैं, दैट यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज. अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनमें अपने क्या करते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं और अपने काम की कुछ चीज़ बनाते हैं. ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को यूज़ किया टू सस्टेन एग्रीकल्चर एंड क्वालिटी प्रोडक्शन. तो उससे क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने कोई भी जैसे प्रॉपर फसल के हिसाब से बात करें तो उस प्रॉपर जो क्रॉप की है उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा दो, उसकी क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा दो, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है चीज़ों के लिए अलग अलग पैस के लिए उनको और ज़्यादा बढ़ा दो, उनको अकाल वगैरह के लिए और ज़्यादा प्रतिरोधी बना दो सूखे अकाल के लिए. मतलब अपनी काम की बहुत सारी चीज़ें अपने ऐड कर सकते हैं जेनेटिकल किसके द्वारा, मॉडिफिकेशन के द्वारा. और ये एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, इसीलिए बायोटेक की आजकल बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ठीक है, अब देखो बायोटेक्नोलॉजी से, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से अपने को हो क्या रहा है कि सबसे पहले अपने को पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. ये विजिबल है ना? मेरा नाम नितिका शर्मा है, डॉक्टर नितिका शर्मा. ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कोई भी क्रॉप है उसको क्या कर सकते हैं अपने पेस्ट और इंसेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, फाइटिंग प्लांट डिजीज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है उससे बचने के लिए वो जो पर्टिकुलर अपने को कोई प्रॉपर्टी चाहिए वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं उस प्रॉपर क्रॉप के अंदर. ठीक है, और फूड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, पोटेंशियल रिस्क क्या है कि हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क है क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा क्या कि अपने को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. और सोशो इकोनॉमिकल रिस्क भी है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं अपने फायदे के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए और अभयारण्य से क्या समझते हैं, भारत में कितने अभयारण्य. ठीक है, इसको पहले इंग्लिश में देख लो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्क, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्क, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरीज और हाउ मैनी सेंचुरीज आर सिचुएटेड इन, हाउ मैनी सेंचुरीज आर देयर इन द इंडिया. ठीक है,
तो देखो, नेशनल पार्क क्या होता है? सबसे पहले नेशनल पार्क, इनका एम होता है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि नेशनल पार्क क्या करते हैं, अपने जो वाइल्ड लाइफ है, जो अपनी जंगली जीवन है और अपना जो वातावरण है, उसको क्या करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड फर्दर मोर, नेशनल पार्क्स आर होस्ट टू वैल्यूबल रिसोर्सेज। इट इज़ इलीगल टू कंडक्ट एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। यानी कि यहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते अपने अपने फ़ायदे के लिए। लाइक जैसे किसी को कुछ कॉमर्शियल मतलब बिजनेस करना हो, या फिर वहाँ पे उन पेड़ों को काट के उन्हें कुछ अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ करनी है, तो वो यहाँ पे नहीं होती। नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है कि ये इलीगल होता है, ये सब इलीगल टू कंडक्ट एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अपना फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो फर्स्ट अपना नेशनल पार्क था, किसका? इंडिया का। यहाँ इंडिया की बात हो रही है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? 1936 में इस्टेब्लिश हो। कहाँ का नहीं, तुम बस ईयर देख लो कि 1936 में वो। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है एक ने कि एन एरिया सेट असाइड बाय ए नेशनल गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सही बात है एकदम। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। देखो ना, तुम ऐसे मत करो कि मेरी लैंग्वेज रट रहे हो। तुम्हारे दिमाग में एक पर्टिकुलर कोई भी टर्म है, उसकी फिक्स डेफिनेशन सेट होती है। ठीक है, उस डेफिनेशन को तुम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ, कि तुम्हें यहाँ से कुछ एक अच्छा वर्ड मिल रहा है। तो फिर क्या करो तुम, हाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है, तो तुम थोड़ा सा उनको अपनी ही डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हम कितनी ही चीज़ें देख लें, अपने दिमाग में जो चीज़ें सेट होती है, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने क्या लिखते हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं। ठीक है, तो फिर अपनी डेफिनेशन में कुछ अच्छे टर्म ऐड कर लिया करो, ताकि एग्जामिनर क्या हो, थोड़ा सा इंप्रेस हो जाओ कि हाँ, इस बच्चे ने तो पढ़ाई अच्छे से कर रखी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें क्या होता है, विच एरिया इज डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोपेगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, एंड गिव सर्टेन राइट्स टू पीपल लिविंग इनसाइड द एरिया कुड बी परमिटेड इज नॉन एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो देखो ये इनका डेफिनेशन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में अभी क्या देखा अपन ने, कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंटायर प्लांट्स एनिमल्स और द लैंडस्केप ऑफ द दैट रीजन। ठीक है, हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है। देखो सबसे पहले बात क्या आई, हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है। रैंडम एसेस टू पीपल इज नॉट अलाउड। ठीक है, रैंडम एसेस पीपल का अलाउ नहीं होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, इट्स रिफर्स टू एन एरिया दैट, ये देखो, दैट रिफर्स टू एन एरिया दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नेचुरल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड लाइफ। यानी कि अपने क्या कर रहे हैं, उस वाइल्ड जो एनिमल है अपना, उसको अपने क्या एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जैसा वो रियल में अपने रहते हैं। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन आर लेस होते हैं, और ये इट इज़ ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए ओपन होता है। हालांकि यहाँ पे कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटी इलीगल होती है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो इन दोनों में होता है, वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है। एनसीईआरटी में ये देखो, ये एक लाइन लिख रखी है, इससे तुम थोड़ा सा डाटा याद करो कि अपने देखो, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज अ बायोस्फियर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। ये तीन अलग अलग टर्म है। ठीक है, हाँ, नेचुरल सराउंडिंग में रहता है एनिमल। ठीक है, अभी जैसे वो पीछे वाले डेफिनेशन पढ़ी ना, कि एनवायरम उस पर्टिकुलर जो वाइल्ड एनिमल्स है, उसको अपने क्या कर रहे हैं, उसको अपने सेव कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट उसकी ही सराउंडिंग्स में, ऐसे उसके नेचुरल सराउंडिंग में उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिया में क्या है, 40 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स है, और 448 अपने क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, एनसीईआरटी में जो अपनी समरी दे रखी है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक डाटा में वो आती है कि एनसीईआरटी की समरी में अपने क्या इसको ना 450 से ज़्यादा बता रखा है। ठीक है, 448 तो है ही, एनसीईआरटी में इसने लिख रखा है, जो समरी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ये 448 नहीं है, 450 से ज़्यादा है। देखो दो का ही है, और जब एनसीईआरटी लिखी गई है, ठीक है, अपनी जो एनसीईआरटी अभी वो अपडेटेड तो है नहीं। ठीक है, तो फिर ये अपने ओल्ड डाटा ही अभी तक रीड करते आ रहे हैं।
तो अपने को यदि पूछे तो यही डाटा बताना होता है जो अपने को एनसीईआरटी में गिवन होता है, ठीक है, करंट एनसीईआरटी में जो गिवन है, ठीक है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब देख लिया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। ये मैंने मेरी क्लासेस में आई थिंक 3 बार आराम से पढ़ा दिया है, ठीक है। ये मैंने चैप्टर्स पूरा एनसीईआरटी से रीड करवाया था, फिर मैंने एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो किसी को ये पूरा चैप्टर समझना है तो बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने एनसीईआरटी से और इसके क्वेश्चंस भी। तो फिर एक बार किसी को यदि ये हार्ड लगता हो तो फिर चेक करके आ जाना, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और इसके एग्जाम्पल अपने को बताना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, ठीक है, बहुत क्लियरली इसका नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है, कौन सा एग्जाम्पल आता है? स्नैपड्रैगन वाला, जो डॉग फ्लावर वाला है ना, एंटी राइनम वाला, उसमें क्या जो फ्लावर के अपने कलर है, पुष्प का रंग कौन सा? गुलाबी, पुष्प का रंग हो जाता है, वही एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अपनी एलील्स होती है, ठीक है। एलील्स जैसे दो पेयर्स में होती है, एक पेयर होता है उसका, उसमें क्या होता है, एक डोमिनेंट भी हो सकता है, एक अपना रेसेसिव भी हो सकता है, दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रेसेसिव ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो कि एक एलील अपना अलग प्रभाव प्रकट करता है, दूसरा एलील अपना अलग प्रभाव प्रकट करता है, लेकिन क्या होता है, प्रभाविता के नियम से जो प्रभावी डोमिनेंट एलील है वो अपने प्रकट होता है और उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि जो अपन ने ये बताया था कि स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी से लंबा होगा प्लांट और इससे अपना क्या होगा, छोटा प्लांट होगा, बोना पादप उत्पन्न होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, प्रभाविता का नियम लगता है और ये डोमिनेंट कर जाता है इसके ऊपर, तो फिर क्या है, ये टॉल प्लांट होता है, ठीक है। ये तो अपन ने बहुत सिंपल सी बात पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, दोनों एलील अपने बीच का सा एक प्रभाव उत्पन्न करता है, उन इसको बोलते हैं अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मतलब बीच का सा होता है, जैसे रेड और वाइट का कौन सा कलर आया, यहाँ पे पिंक कलर आया, तो एक बीच का सा कलर आया है ना, तो बीच का सा एलील अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि रेड फ्लावर लिया था, इधर अपन ने वाइट लिया था, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो अपने को क्या, पिंक कलर के अपने को मिले थे कैपिटल आर। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूँ तो वैसे लिख देती हूँ ना, जैसे तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसको लिया था कैपिटल आर कैपिटल आर, ये था अपना स्मॉल आर स्मॉल आर, इधर बना अपना कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ आप अपने बने थे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, और इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये अपने जो दो बने थे ये क्या थे, ये अपने जो गुलाबी रंग की थी, ये दोनों शो कर रहे थे क्या, अपनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, इसको जाके एक बार और रीड कर लेना, ठीक है। उसमें जो प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण है वो भी मैंने अच्छे से बता रखा है कि जो प्रभाविता का वो नियम होता है वो एक्चुअल में आता क्यों है, ठीक है। एनसीईआरटी में वो एंजाइम से रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी है ना वो भी बता रखा है, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, विजिबल है ना, ठीक है। एक वर्णांधता की वाहक, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अ कैरियर वुमेन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस मैरीज, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, एक तो हीमोफीलिया और एक अपना कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। वो कलर ब्लाइंडनेस ये कौन से दोनों डिजीज है, मतलब कि सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, अप्रभावी है, कैसा है, तुम्हें थोड़ा बताओ मेरे को। मैंने ये बता रखा है ये भी, हीमोफीलिया इसको मैं याद रखती हूँ एच और सी से, कि ये एच और सी वाले ये तो दोनों है, ये क्या होते हैं अपने एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, ठीक है। तो अपन को हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस से के कितने भी क्वेश्चन दे दो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि इन दोनों के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हीमोफीलियो का क्वेश्चन अलग से सॉल्व होगा और कलर ब्लाइंडनेस का अलग, सेम ही पैटर्न होता है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसने क्या बोल रखा है कि जो वुमेन है वो कैरियर है, ठीक है, और अपना नॉर्मल अपना क्या है, मीन है। तो इसने बोला कि चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस होने की, कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। यानी कि अपने को जो फीमेल दे रखी है
और यहाँ पे मेल है, मेल अपना नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल का मतलब एक्स वाई, ठीक है। और इसने बोला कैरियर क्या है अपनी, फीमेल है। तो देखो एक्स वाई, एक्स सी वाई, ठीक है, ये अपना क्या है, रोगी पुरुष है, ठीक है, रोगी पुरुष है। और ये अपना क्या है, कैरियर फीमेल है, और ये अपनी क्या है, रोगी फीमेल है, ठीक है। ये रोगी होता है, ये कैरियर होता है, और इसका कोई कैरियर नहीं होता, ये अपना पूरा ही रोगी होता है, ठीक है, मतलब इसको डिजीज होती है, ठीक है, ये रोगी होता है। वो एक्चुअली क्या, मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर अप करना पड़ता है, तो कुछ टर्म्स वो हिंदी में निकलते हैं और कुछ इंग्लिश में निकलते हैं, ठीक है। तो जिसको जो समझना हो उसमें से पिक कर लेना, कि मुझे इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश से ले लेना और हिंदी से, ठीक है। ये अपना कैरियर हो गया फीमेल, और ये अपना मेल हो गया क्या, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से तुम बना दो, क्या कैसे बनाते हो, बहुत सिंपल है ये, तो इसको करने में तो बहुत मज़ा आता है, एक्स वाई इधर, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से तुम बनाओ इनकी संतति, क्या बनाओ, इनकी संतति बनाओ, यानी प्रोजेनी बनाओ, ठीक है। एक बनेगी एक्स सी एक्स, दूसरी बनेगी अपनी एक्स सी वाई, तीसरी बनेगी एक्स एक्स, और अपनी बनेगी एक्स वाई, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, हीमोफीलिया के क्वेश्चन आ जाए, कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें क्या होगा, मैं कंडीशन बता देती हूँ कि क्या कंडीशन वो देगा, उनमें से ही तुम्हें क्या करना है, ये ऐसा क्रॉस करवाना है। वो क्या बोल सकता है कि अपनी जो फीमेल हो वो क्या होगी, कैरियर, तो कैरियर फीमेल का फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, एक्स सी एक्स, ठीक है। वो रोगी फीमेल की बात कभी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रोगी फीमेल होती है वो ज़्यादा देर तक जिंदा ही नहीं रहती, उसकी वजह से मतलब प्रोबेबिलिटी, रोगी फीमेल, मतलब रोगी फीमेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो फिर एक्स ही एक्स ही तुम्हें कभी नहीं देगा, ये नॉर्मल हो सकता है एक्स वाई, और ये रोगी कब होगा, एक्स सी वाई, ठीक है। जब तुम्हें इनकी ये पता चल गए कि फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, तो तुम आराम से ये ऐसे क्रॉस करवा के तुम ये बना सकते हो। तो अब मुझे बता दो ये क्या है, ये कैरियर है या फिर रोगी है, ये अपनी सेम टू सेम क्या है, वाहक है, वाहक मतलब कैरियर, ठीक है, ठीक है। ये अपना क्या है, रोगी है, रोगी मेल है, मतलब बेबी जो हो रहा है मेल बेबी वो रोगी है, ये अपना नॉर्मल है, ये भी अपना नॉर्मल है। यानी कि कोई पूछ ले क्या कि अब जैसे यहाँ पे दो बन रहे हैं अपने मेल बेबी, ये वाला मेल बेबी, ये वाला मेल बेबी, ठीक है, ये वाला मेल बेबी क्या है, नॉर्मल है, और ये वाला मेल बेबी क्या है, डिजीज है, ठीक है। तो ये रोगी है, यानी कि 50% चांस है कि उसका जो मेल बेबी होगा वो क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि चारों में से कौन कितने डिजीज होंगे, एक बनता है कि प्रॉपर मेल बेबी में कितने परसेंट डिजीज होने की चांसेस है, ठीक है। तो इस टर्म को अच्छे से पढ़ा करो कि चारों में से पूछा है या फिर सिर्फ मेल बेबी या फिर फीमेल बेबी से पूछा है। फीमेल में देखो ये तो नॉर्मल है और ये अपना कैरियर है, यानी कि फीमेल बेबी के डिजीज होने के कोई चांस नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो क्या होगी, अपने कैरियर होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट तुम ऐसे है ना जीनोटाइप लिख लेना एक्स सी वाई, और ये मैंने बता ही दिया क्या, चार ही केस बनाएगा वो, मेल को क्या कर देगा, रोगी बता के, यानी कि एक्स सी वाई कर देना, लिखने की टर्म के हिसाब से बता रही हूँ, और फीमेल कैरियर होगी तो एक्स सी एक्स कर देना, और डिजीज हो तो एक्स सी एक्स ही होती है, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एमपी बोर्ड में क्या ज़्यादा इतना टिपिकल पेपर आता नहीं है, सिंपल सा पेपर आता है, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या होता है, और अपना बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है। रेड डाटा बुक और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सिंपल है। रेड डाटा बुक तो क्या होती है, अपने जो एंडेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या करती है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखती है। देखो रेड डाटा बुक क्या होती है, कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द एंडेजर्ट, मतलब कि वैसे वो जीव वो जो क्या है विलुप्त होने वाला है, एंडेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखती है, और क्या होगी, ये मेंटेन होती है बुक बाय इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल है ये तो। और व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ऑल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट विक्निटी, दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ
दैट एरिया, मतलब क्या करता है पूरा बायोस्फियर ही क्या होता है, रिजर्व रहता है, और इसमें तीन टाइप के जोन होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है ये, पर थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। ये अपना ट्रांजिशन जोन होता है, ये अपना बफर जोन होता है, ये कोर जोन होता है। सीबीटी से याद रखना इसको, सीबीटी मतलब कोर जोन, बफर जोन और अपना क्या ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो इसमें ये अलग अलग जोन बता रखा है कि ये जोन किसके लिए है, जैसे ये जोन है ये रिसर्च के लिए है, या फिर यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। ये वाला जोन होता है, जैसे मान लो कि तुम टूरिज्म के लाए हो तो फिर इस जोन में तुम्हें एंटर करने देंगे, तुम्हें रिसर्च करनी है तो फिर इस जोन तक तुम्हें एंटर करने देंगे। कोई एजुकेशनल अपने को कोई टूर करने करवाने ले जाता है कोई भी पर्टिकुलर, ठीक है, बहुत सही डेफिनेशन है। अ डॉक्यूमेंट्स दैट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड फंजाई इन अ कंट्री। सही बात है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है कि रिकॉर्ड रखता है जो एंडेजर्ड एनिमल्स प्लांट्स जो भी जितने भी टाइप की अपनी स्पीसीज हुई वो, ठीक है। इन जोन्स को याद रखना, सीबीटी जोन होता है, कोर जोन, बफर जोन और अपना ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन और बफर जोन में क्या होता है, इसमें तो ह्यूमन रह सकते हैं, इसमें ह्यूमन का वो नहीं होता, आवाज नहीं कर सकते, लेकिन ये टूरिज्म के लिए, रिसर्च के लिए या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो जोन होता है ये अपना, इसमें ह्यूमन को अलाउमेंट नहीं होता, कि अलाउ नहीं होते इसमें ह्यूमन किसी भी करे, ये सिर्फ अपने पर्टिकुलर उन एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। फिर अपना ह्यूमन इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे तो ये बता दो कि इंसुलिन है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर क्या है, लिपिड है, क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन अपनी प्रोटीन, प्रोटीन है तो ये किससे मिलकर बनी हुई होगी, प्रोटीन है तो मिलकर बनी होगी किससे, एमिनो एसिड से, किससे, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी। तो बता दो कितने एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं अपने 51 एमिनो एसिड, कितने होते हैं 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद देखो अपन के इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ था, वो इंसुलिन बनी थी अपनी प्रो इंसुलिन से, ठीक है। अपना जो बायोटेक वाला चैप्टर है वहाँ पे ये दे रखा है, इंसुलिन का पूरा फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। अमेरिकी इली लिली कंपनी ने बनाया था, है ना, अपना इंसुलिन बनाया था। क्योंकि मान लो पहले क्या करते थे, इंसुलिन को अपने को पता है ना, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो पहले क्या करते थे, इंसुलिन को निकालते थे कहाँ से, जो जानवर वगैरह होते हैं, जो सुअर वगैरह होते हैं उनकी लीवर वगैरह से निकाला जाता था। तो फिर क्या होता था, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता था, उसकी वजह से क्या किया कि एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी आई, और उसने क्या किया, और उसने क्या किया, उसने एक ऐसी इंसुलिन बनाई जो क्या थी, जो जिसमें इन्फेक्शन का कोई डर नहीं था, और आराम से उसका यूज़ किया जा सकता था, और उसके इंजेक्शन बनाए गए थे, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, वो सेल्फ इंजेक्टेबल होता है, ठीक है, और सबक्यूटेनियस लगता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन में याद रखना ए बी सी, ये तीन चेन होती है, देखो दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये ए पेप्टाइड है, ये अपनी बी पेप्टाइड है, और ये अपनी सी पेप्टाइड है, ठीक है। ये ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होती है, वो किसके द्वारा, वो सल्फर बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है, इसको बोलते हैं इंसुलिन। ये होता है जिसमें तीनों चेन होती है उसको तो क्या बोलते हैं, अपने प्रो इंसुलिन बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये अपनी जो सी पेप्टाइड होती है वो निकल जाती है, तो उससे क्या बन जाती है, अपनी प्रो इंसुलिन से क्या बन जाती है, इंसुलिन बन जाती है, यानी कि फ्री सी पेप्टाइड बाहर निकल गई, यानी कि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनी, मतलब क्या हो गया, इंसुलिन का मैच्यूरेशन हो गया, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है वो पैराग्राफ, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना तुम। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो क्या है, जीव विकास क्या है, और इसके पक्ष में दिए गए किन्हीं दो प्रमाणों के बारे में लिखिए, ठीक है। जीव प्रमाण क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, और उसके एविडेंस के फेवर में अपने को, उसके एविडेंस के फेवर में एग्जाम्पल देना है अपने को, ठीक है, और अपने वेरिएशंस क्या होती है, और इनकी डिटेल्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है,
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है? देखो, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज द चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उनमें क्या जनरेशन बाय जनरेशन कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स है, उन ट्रेट्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, उन ट्रेट्स में क्या आ रहा है? उन ट्रेट्स में आ रहा है चेंज। ठीक है, कहाँ पे? किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन में सक्सेसिव जनरेशन, उन पॉपुलेशन की सक्सेसिव जनरेशन में इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन का कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स है उसमें क्या आ रही है? उसमें अपने चेंज आ रही है। ठीक है, तो इसके अपन को इवोल्यूशन के एग्जाम्पल देने थे, तो फिर क्या एग्जाम्पल हैं इसके? इसके एग्जाम्पल है अपने, सबसे पहले कि अपन को फोसिल्स मिलता है। फोसिल मतलब जीवाश्म, जीवाश्म। ठीक है, अपने को अलग अलग टाइप के अपने जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्म से अपने पता लगा सकते हैं कि अपने जो इवोल्यूशन हुआ है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। जैसे अपने को डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है, तो उस जीवाश्म में होता है वो अपना ऑर्गेनिक, अपने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का फर्स्ट जो वो क्या है, एविडेंस है। ठीक है, फर्स्ट और सबसे अच्छा एविडेंस क्या होता है? फॉसिल्स होता है। ये ध्यान रखना कि कोई पर्टिकुलरली एक चूज़ करना पड़े तो तुम क्या करोगे? फॉसिल्स चूज़ करोगे पहले। ठीक है, उसके बाद अपन ने स्टडी की थी कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्या स्टडी की थी? कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी की थी। ठीक है, उस स्टडी से भी अपने को पता चला था कि क्या होता है कि अपना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि अपन ने देखा था कि वर्टिब्रेट्स थे उनके जो हर्ट्स और उनके जो ब्रेन्स थे उनका जो ओरिजिन था वो सेम था, है ना। यानी कि अपन ने कंपैरेटिवली क्या स्टडी की, उनकी एनाटॉमी की स्टडी की, तो अपने को पता चला कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो एक्चुअल में हो कैसे रहा है, वो अपन ने स्टडी की, तो ये भी इसका एक एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो एम्ब्रियो का जितने भी अपने वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका एम्ब्रियो कैसे डेवलप्ड होता है? ठीक है, चेंजेस देखो, एक बच्चे ने डेफिनेशन लिखी है इसकी कि चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीसीज इन ए पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट रेस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंजेस। मतलब कि क्या, कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में क्या आ रहा है? कोई जेनेटिक चेंज आ रहा है किसी में। ठीक है, तो मतलब जेनेटिक चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने को क्या करना है, उस पर्टिकुलर कोई एनवायरमेंटल अपने में चेंज आया, एनवायरमेंटल चेंज आया, तो उस एनवायरमेंटल चेंज को अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करना होगा ताकि अपने क्या करें, उस एनवायरमेंटल चेंज को अपने सहन कर पाए। यानी कि उसके लिए अपने एकदम फिट होने के लिए अपने को खुद के अंदर भी थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर वो इवोल्यूशन से आया अपने, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से आया। ठीक है, तो अपने एक एग्जांपल बताना है इवोल्यूशन के, ये एविडेंस देना है, तो फॉसिल इज द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो अपने क्या है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, और पक्षियों में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और अपनी जो मधुमक्खियाँ होती है उसमें किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये बताना है। या फिर अपने को क्या आरएनए बताना है और टीआरएनए की स्ट्रक्चर की, अपने को क्या करनी है? टीआरएनए की स्ट्रक्चर्स बतानी है अपने को। उसके बाद देखो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन था लिंग निर्धारण। चलो पहले आरएनए वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आरएनए वाला क्वेश्चन देख लो। देखो अपने पास कितने टाइप के आ रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार करवा भी दिया। मैंने ये वाला चैप्टर्स भी क्या वहाँ पे करवाया है, बालो जो अपना था ना ये चैप्टर। ठीक है, इसको भी, इस चैप्टर को मैं बताऊँ मैंने कैसे करवाया। इस चैप्टर को अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पूरा एनसीईआरटी से, फिर अपन ने किए थे एनसीईआरटी के जो अपने पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इस चैप्टर में ना कुछ डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अच्छा ओके, ये सेक्स डिटर्मिनेशन बता रहा है ना।
हाँ सही बात है। ठीक है, तो मैं कहाँ थी कि ये अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, ये सबसे पहले जब मैंने बोर्ड का एक पेपर और सोल्व करवाया था वहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया था कि टीआरएनए की उन्होंने पहले अलग स्ट्रक्चर दी थी, उसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड स्ट्रक्चर भी दी थी। ठीक है, तो एक थोड़ा अपडेटेड मटेरियल होता है ना एनसीईआरटी का, उसके आने के चांसेस थोड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो किसी को ये चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना हो तो तुम क्या करना, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मेरी, यदि तुम्हें लेक्चर खोलना हो साथ में, वीडियो खोलना हो, तो वो साथ में खोल लेना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही थी, जो जो पर्टिकुलर टॉपिक था। ठीक है, कि इस टॉपिक से अपना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो मैंने टॉपिक्स रीड करवाए, तुम वो साथ में खोल के बैठ जाना। उसके बाद तुम क्या करना, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन करना, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि अपने कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीछे से पिक जरूर होंगे। ठीक है, उनमें क्या होता है, या तो अपने देखो कुछ क्वेश्चन तो वहाँ के अच्छे नहीं होते, एकदम फालतू से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि फालतू इन द सेंस कि वो इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो तुम क्या, उनके पीछे कुछ टेबल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ अपने जो क्रॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर होता है ना उसके जो पीछे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उससे एक बार तुम गो थ्रू जरूर हुआ करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, कि मैंने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया लेकिन स्टिल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि तुम्हें ऐसे लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है, या फिर एनसीईआरटी के अंदर का है, या फिर इस क्वेश्चन को कहाँ से रिलेट करना चाह रहा है। तो ये जो टीआरएनए वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये मैंने पहले करवा रखा है कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर वगैरह, कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर को अपने को डायग्राम बना के एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, उससे पहले अपने देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को ऐसे पढ़ा करो कि पहले पढ़ा करो एनसीईआरटी, फिर पढ़ा करो एनसीईआरटी के पीछे वाले एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन आता है वो। उसके बाद से तुम क्या करा करो, बीच के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा रखे थे कि तुम्हें एकदम चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, तो तुम्हें वो बीच के क्वेश्चन करोगे ना तुम चैप्टर के बीच से पिक करके, तो तुम्हें ऐसे लग जाएगा, हाँ पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपना पूरा चैप्टर कवरअप हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा बड़ा है और इसकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी अजीब सी है, तो फिर क्या बच्चों को थोड़ी कम समझ आती है कि वो अजीब सी लैंग्वेज दे रखी है, तो उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, हेलो बच्चों, ठीक है, तो वो आप वहाँ से कर लेना। अपने कहाँ पे थे, टीआरएनए पे थे। और साथ में क्या करना कि जैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स आ रखे हैं, तो फिर क्या अपने को अपनी जो एक राइटिंग स्किल्स होती है ना, एक होती है अपनी खुद की राइटिंग, हैंड राइटिंग होती है, वो तो चलो जैसी भी है वो अब वैसी रहेगी, अब चेंज नहीं हो सकती। तो फिर तुम एक राइटिंग स्किल्स होती है कि पर्टिकुलरली तुम्हें जैसे ये क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि एग्जामिनर क्या ऐसे चेक करता है, तो फिर जो चीज़ उसको सुंदर लगती है, एकदम सिस्टमेटिकली लिखी हुई लगती है, उसमें वो ज़्यादा मार्क्स देता है। ठीक है, तो फिर चीज़ों को एकदम खुले खुले लिखना है, हेडिंग्स लगा के लिखो और अच्छे से पॉइंट्स बना बना के लिखो, तो फिर क्या एग्जामिनर तुम्हें ज़्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, और जितना हो सके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज़्यादा करो, कि इस चीज़ में तुम डायग्राम बना पा रहे हो या फिर फ्लो चार्ट बना पा रहे हो, तो उसको वैसे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो अपन कहाँ थे, टीआरएनए पे थे। ठीक है, टीआरएनए, सॉरी, अपने आरएनए पे थे। आरएनए कितने टाइप के होते हैं अपने, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, देखो बायो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या, सबसे पहले तो अपने जो अपना जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स है ना, वंशागति का, आण्विक आधार, और एक और चैप्टर है जेनेटिक्स वाला। ठीक है, वो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के कहें। और उसके बाद है अपना, अपने जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है ना, उससे क्या डायरेक्ट छोटे छोटे वन वर्ड के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको तुम अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद है अपना माइक्रोब्स और ह्यूमन डिजीज, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और मैंने ना क्या स्टार्टिंग में वेटेज भी बता रखा है। ठीक है, अच्छा न्यू स्टूडेंट है, मैं अभी क्या वो थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। रिप्रोडक्शन वाले सबकी मार्किंग्स मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी ना, वहाँ पे मैंने वो करवाया था तुम्हें प्रॉपर पूरा, कि कौन सा चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, तो एक बार उस पर तुम चले जाना। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले तो जेनेटिक्स वाली जो दो चैप्टर है, जेनेटिक्स और वो वाले, वो दो इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में माइक्रोब्स और ह्यूमन डिजीज़ वाले में क्या वन वर्ड से आंसर अच्छे बन क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, तो उसको देख लेना। और इकोलॉजी के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लास्ट में जो आपको 3 चैप्टर्स दे रखे ना वहाँ पे, तो एक बार तुम क्या वो पहले वाली वीडियो से फर्स्ट में ही तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, 2 मिनट के इंट्रोडक्शन में, मैंने उस स्टार्ट इंट्रो में भी नहीं था, 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे वो पूरा ब्लू प्रिंट लगा रखा था कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो वो तुम एक बार देख लेना। और मेनली ये जेनेटिक्स वाले ये चैप्टर होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और ये थोड़े बड़े भी है, तो तुम क्या करना इनको एकदम सफिशियंट टाइम देके ख़त्म कर देना, ताकि क्या तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो एकदम मेन एग्जाम के टाइम पे इसको ज़्यादा टाइम देना अपने प्रिफर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये अपन आरएनए पढ़ रहे थे। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? आरएनए के टाइप्स होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और अपने क्या होते हैं आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए क्या होता है, ये देखो ऐसे एमआरएनए होता है, और इनके ऊपर क्या होते हैं अपने कोडोन्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अपने कोडोन्स होते हैं, तो मेरे को ये बता दो कि अपने जो जेनेटिक कोडोन्स थे, ठीक है, इसको मैं जेनेटिक कोडोन पे शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जेनेटिक कोडोन्स थे वो अपने पहले तो क्या ट्रिपलेट थे, ठीक है, ट्रिपलेट नेचर के थे, जैसे AUG, GAG, GUG ऐसे करके अपने ट्रिपलेट नेचर के कोडोन्स होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो कि जेनेटिक कोडोन की अपनी विशेषताएं क्या क्या थी, विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले तो पहली विशेषता थी क्या होते हैं ये त्रिक होते हैं इनका, मतलब कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, लाइक AUG, GAG, GUG, ठीक है। इसमें भी मुझे ये बताओ कि इनिशिएट वाला कोडोन कौन सा होता है, कोडोन क्या होते हैं मैम? अच्छा देखो जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, अपने को क्या करना है प्रोटीन बनानी है। मैंने बताया था कि क्या होते हैं डीएनए, ठीक है, अपना डीएनए, डीएनए पर अपने क्या होते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जैसे ए जी टी सी, ठीक है, ऐसे करके अपना सीक्वेंस चलता है। उसके बाद क्या होता है डीएनए से अपने बनते हैं एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से अपने क्या बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन में एक्चुअली क्या होता है अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अपने को पता है, ठीक है, ठीक है। डीएनए से अपने क्या सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, यानी क्या होता है रेप्लिकेशन, हिंदी में बताऊं या फिर इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी की टर्म प्रॉपर चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि प्रॉपर कौन सी टर्म चाहिए, ठीक है। रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और एमआरएनए से जब अपना प्रोटीन बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, उधर इधर इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं स्थानांतरण, हिंदी मीडियम वाले भी देख लो क्या बोलते हैं स्थानांतरण, और इसको बोलते हैं अपने अनुलेखन, अनुलेखन, और इसको बोलते हैं अपने प्रतिकृतिकरण, ठीक है, प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, ठीक है। डीएनए का जब देखो प्रॉपर्टीज बताइए किसने कि फर्स्ट कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, सेकंड इसने बता रखी है कि डी जनरेसी का नेचर होता है, और द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग होता है, और उसके बाद बता रखा है कि कॉमा लेस होता है, ठीक है, एकदम सही बताया इन्होंने। और ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार तुम अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये अपने डीएनए ये ऐसे हो गया, ये अपना क्या है मेरे को बता दो, ये कौन सी थ्योरी है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये अपना है सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत मतलब सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी था ये दिया किसने था, ये दिया था अपना किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो डीएनए है, डीएनए पर अपने क्या होता है ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और डीएनए से बनते हैं अपना हेलो ऑडिबल,
एम आई ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल. ओके. वो बीच में क्या टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा लाइट की वजह से, तो अपने वापस कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो अब क्या करते हैं जल्दी से, अपने कहाँ पे थे मेरे को ये बता दो. अपने क्या कर रहे थे, अपने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ रहे थे. वापस से जल्दी से अपने लिखते हैं क्या डीएनए से बना रहे थे. हिंदी में बताऊँ क्या मैं? अभी एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी क्या थोड़ा हिंदी में पढ़ाइए. ठीक है मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा था. ठीक है, और यहाँ एमआरएनए से बन रही थी अपनी प्रोटीन. ठीक है, ये था अपना ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि अपना था स्थानांतरण, सॉरी ये अपना था स्थानांतरण, यानी कि क्या था ट्रांसलेशन, स्थानांतरण. और ये था अपना अनुलेखन, अनुलेखन. और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण. क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण. ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको बोलते हैं प्रतिकृति. तो पहले तो मेरे को ये बता दो इंग्लिश में पढ़ाऊँ. ओके ओके ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो फिर ये तो बहुत सिंपल सी टर्म है. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और इधर ट्रांसलेशन. ठीक है, ये अपनी सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी है, इसको अच्छे से याद रखना. ये होती है अपनी ट्रांसलेशन. ठीक है, ये बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है. अब मेरे को बता दो, ये सिंपल है, इसमें मुझे ये बताओ कि एंजाइम कौन कौन से काम आते हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये तो सबने रट्टा मार रखा है कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ठीक है, इतना तो अपने को सबको पता है. मुझे बता दो इनमें एंजाइम कौन कौन से काम आते हैं. ठीक है, इन एग्जाम को याद करने के लिए मैं बताती हूँ, एक हिंदी मीडियम वाले नहीं हैं यहाँ पर. ठीक है, हाँ कोई ना, मैं इंग्लिश में पढ़ा दूँगी. ठीक है, ठीक है. इसमें क्या होता है, डीएनए से जब डीएनए बन रहा है तो मुझे बता दो कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, और डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है तो फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आता है. ठीक है, अपने को पता है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो एंजाइम काम आ रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको एनसीईआरटी बोलती है, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, इसका ध्यान रखना. जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहा है, तो तुम क्या टर्म, प्रॉपर टर्म क्या होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, और जब बन रहा है डीएनए से एमआरएनए तो इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, और ट्रांसलेशन होता है, उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन की अपने को पूरी मैंने ये बता रखी है कि कैसे ट्रांसलेशन होता है. सबसे पहले क्या होता है, जो एमआरएनए के ऊपर क्या राइबोसोम्स की यूनिट्स आती है, और वो यूनिट्स क्या करती है, कंबाइन होती है, फिर अपना टीआरएनए आता है. टीआरएनए क्या करते हैं, टीआरएनए का फंक्शन बता दो मुझे जल्दी से. टीआरएनए क्या करता है, वो करता है अपनी एमिनो एसिड्स को लेके आता है. अब बताओ एमिनो एसिड्स को लेके आता है तो पर्टिकुलरली वो अपने कहीं पे बाइंड करके तो लेके आएगा, तो फिर कहाँ पे बाइंड करता है, उसकी क्या होती है, एक साइट होती है. प्रॉपर ऑडिबल हूँ ना मैं? ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अपने टीआरएनए क्या करता है, अपने ऊपर क्या अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है उसके ऊपर. अभी मैं टीआरएनए का डायग्राम बताऊंगी. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बाइंडिंग साइट होगी, वहाँ पे टीएनए बाइंड होगा और वो टीआरएनए यहाँ पे आता है. कहाँ पे, अपनी जो एमआरएनए होता है वहाँ पे आता है, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपनी जो कोडोन्स है उनको अपने को क्या करना है, आगे प्रोटीन में चेंज करना है. फिर क्या होता है कि अलग अलग अपने अमीनो एसिड्स आ रहे होते हैं, टीआरएनए लेके आ रहा होता है, और इधर अपना ट्रांसलेशन चलता रहता है. और फिर क्या होता है, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है. कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ, एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में बनता है अपना पेप्टाइड बॉन्ड. तो ठीक है, यानी एमिनो एसिड के बन रहा है बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, और वो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अपने टीआरएनए से अलग होते रहते हैं, यानी कि क्या बनती है, प्रोटीन की चैन बनती रहती है. ठीक है, तो ये अपना ट्रांसलेशन चलता है. डीएनए से हमारे ट्रांसक्रिप्शन में क्या चलता है, अपने ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन, फिर होता है अपना इलोंगेशन, और फिर आता है अपना टर्मिनेशन. ठीक है, एनसीईआरटी में तीन स्टेप अच्छे से डिफाइन कर रखी है.
इनिशिएशन में क्या होता है, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए पॉलीमरेज अपने क्या करता है, प्रमोटर के पास जाता है, उससे बाइंड होता है, फिर अपना क्या होता है इलोंगेशन स्टेप आता है. मतलब मैं सिर्फ एक ओवरव्यू के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है. फिर उसके बाद इलोंगेशन होता है और उसके बाद में क्या होता है टर्मिनेशन होता है. टर्मिनेशन में क्या होता है अपना क्या होता है अपने रॉ फैक्टर यूज होता है. तो कोई पूछ लेना कि इनिशिएशन फैक्टर कौन है, इनिशिएशन फैक्टर. देखो दो चीज हैं इस टर्म से मैं रिलेट करूँ, इनिशिएशन फैक्टर और एक टर्मिनेशन फैक्टर. टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है. मैं इस टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर क्या काफ़ी लेंथी है और ये थोड़ा आना क्या बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है. तो ये होता है अपना सिग्मा फैक्टर और ये अपना रो फैक्टर होता है, RHO रो फैक्टर, ठीक है. तो कोई पूछ ले अपना इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो सिग्मा और अपने कौन से होते हैं रो फैक्टर होते हैं, ठीक है. ठीक है, और फिर मुझे ये बता दो इनिशिएशन कोडोन कौन से होते हैं, ये भी साथ में बता दो. इनिशिएशन कोडोन्स, ठीक है. इनिशिएशन नाम आएगा तो इनिशिएशन कोडोन में क्या होता है, AUG इनिशिएटर कोडोन है. और अपना टर्मिनेशन कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन की बात आ जाए तो फिर मुझे बता दो जल्दी से कौन कौन से तीन स्टॉप कोडोन है. ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है. कौन से होते हैं, ठीक है. तो ये अपने हो गए इनिशिएटर कोडोन और स्टॉप कोडोन्स, ठीक है. स्टॉप कोडन से अचानक मेरे दिमाग से निकल गया है, ऐसे होता है ना कि सडन चीज़ें स्किप कर जाती है. सॉरी, हाँ, UAA, UAG और UGA, ठीक है. UAA, UAG और UGA, ये अपने क्या होते हैं, अपने स्टॉप कोडन्स होते हैं, ठीक है. वो थोड़ा सा स्किप हो गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है. मैम की आवाज़ क्लियर है, ओके, थैंक यू बच्चे. ठीक है, तो ये अपने स्टॉप कोडोन, इनिशिएटर कोडोन्स और कोडोन्स की डेफिनेशन एक स्टूडेंट ने बताई दी थी, बहुत सही डेफिनेशन बताई थी. जेनेटिक कोडोन की सारी लाउड नहीं है, ओके, आई विल क्लियर, आई विल मेक इट लाउड, ठीक है. अब देखो जेनेटिक कोडोन की डेफिनेशन बता दी थी ना कि मतलब वो क्या होते हैं. अब जेनेटिक कोडिन के अपन वो डेफिनेशन नहीं सॉरी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे कि एक तो वो ट्रिक में होते हैं, दूसरा क्या होता है कि वो यूनिवर्सल होते हैं. एक तो ये बताओ मुझे कि जेनेटिक कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर कोडोन है, वो एक पर्टिकुलर कोडोन है, वो क्या कर रहा है, वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है. तो फिर वो मान लो कि मेरे अंदर किसी और को कोड करेगा और किसी और के अंदर किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं होता. मतलब कि एक पर्टिकुलर कोडोन्स होता है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, ऐसे वेरिएशन नहीं होता कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा करेगा, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे को कोड करेगा. एग्जाम्पल में एक्सेप्शंस में एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सेप्शन दे रखा है किसका, एक तो प्रोटोजोआ के कोडोन्स का और एक अपने सॉरी एक तो प्रोटोजोआ में और एक अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है. उनके कोडोन्स होते हैं वहाँ पे थोड़े से अपवाद आते हैं, ठीक है. तो इसको एक्सेप्शन को भी तुम अच्छे से याद रखो कि एक्सेप्शंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड इन प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है. तो ये अपने को दे रखा है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है. उसके बाद देखो, उसके बाद है अपना कि त्रिक होते हैं और फिर है अपना दो, इन्होंने बताई, एक बच्चे ने बताई कि एक तो डीजेनरेसी वाली प्रॉपर्टी और एक बताई थी कि नॉन स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक और नॉन एम्बिगुअस, क्या होता है स्पेसिफिक, और एक उन्होंने बताई थी साथ ही में कॉमा लॉस, कॉमा लेस भी होते हैं, मतलब कि लगातार पढ़े जाते हैं, ठीक है. ये एक अलग से और विशेषता हो गई, स्पेसिफिक और नॉन एम्बिगुअस होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, ठीक है.
तो ये अपने को पांचों विशेषताएं लिख के आनी है, ठीक है? अब तो लाउड है क्या वॉल्यूम, मेरे को एक बार बता दो, ठीक है? ये अपने को लिख के आनी है, इनिश साथ में तुम ये पांच लिखो ना, साथ में यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन्स और टर्मिनेशन कोडोन को भी यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है? ठीक है, तो मैंने आरएनए बता दिए थे ना कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, ठीक है? आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है? एमआरएनए में क्या होता, वो क्या करेगा, प्रोटीन को इनकोड करता है। अपने को पता है कि एमआरएनए में ऐसे कोडोन्स होते हैं, कोई पूछ ले कि कोडोन्स का होता है और एंटी कोडोन्स का होता है, तो अपने को क्या बोलना है, एमआरएनए पे तो क्या होता है, कोडोन्स होते हैं, और टीआरएनए की जस्ट अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि टीआरएनए में क्या होता है, एंटी कोडोन्स होते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है, प्रोटीन को इनकोड करते हैं, ठीक है? उसके बाद टीआरएनए क्या करता है, मैंने बताया था टीआरएनए के सबसे पहले मैं तुम्हें अलग अलग नाम बताती हूँ। टीआरएनए का एक तो क्या नाम होता है, सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, और बताओ कौन सा नाम होता है, सॉल्यूबल आरएनए। उसके बाद इसका एक और नाम होता है एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्टर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये इसके अलग अलग नाम है कि एक्ट एज ए अडप्टर बिटवीन एमआरएनए और एमिनो एसिड। तो ये क्या करते हैं, मैम लाउड भी है और क्लियर भी, पता नहीं किसको नहीं सुन में आ रही कोई ना कोई ना कोई ना, ठीक है? तो टीआरएनए का क्या काम हो गया कि सॉल्यूबल, टीआरएनए का दूसरा नाम है सॉल्यूबल आरएनए और एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है? और ये काम क्या करते हैं, काम पर्टिकुलर काम याद करो कि एमआरएनए तो क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए करेगा अपना एमिनो एसिड को लाने का काम करेगा, और आरएनए क्या करेगा, ये बनाएगा अपने राइबोसोम, क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, ठीक है? ये अपने बनाएगा राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम में बता दो ये कौन सी ये सब यूनिट है, ये अपनी स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट, और ये अपनी लार्ज सब यूनिट होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एमआरएनए पर जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो फिर स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ती है, फिर लार्ज वाली आके जुड़ती है, तो सबसे पहले आके कौन जुड़ती है, अपनी जो स्मॉल वाली यूनिट्स होती है ना, ये जाके इधर नीचे जाके जुड़ेगी, ठीक है? बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाना था, ठीक है? अब मैंने टीआरएनए को ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि टीआरएनए की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? ठीक है, तो ये देखो ये है अपनी टीआरएनए की स्ट्रक्चर, तुम्हारे जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना, उस डायग्राम को प्रॉपर ड्रॉ तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो तुम ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है? ये ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे तो, क्योंकि उसमें तो क्या ऐसे लूप लूप दे रखे हैं, तो फिर ऐसा इसमें ये सारी जो अपनी आर्म्स वगैरह वो प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखती, तो तुम क्या करना कि ये वाला डायग्राम बना देना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर इनकी जो आर्म्स हैं उसको तुम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? इसको मैं याद करवाती हूँ कि कौन कौन सी आर्म्स, सबसे पहले ऐसे बना लेना, ठीक है? मैंने बताया था कि टीआरएनए का काम क्या होता है, सबसे पहले जो इसका काम है उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, इसके नाम दे दो। तो सबसे पहले ये क्या करता है, एमिनो एसिड को लेके आता है, तो तुम क्या करो, एक एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि उसको बाइंड करने के लिए एक आर्म बना दो। कोई आर्म जैसे मैं हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो उस प्रॉपर काम को करने के लिए मेरे अंदर कुछ प्रॉपर ऑर्गन्स ऐसे होते हैं ना, तो फिर वैसे इनमें देख लो कि एक आर्म बना दो किसके लिए, एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला था कि एमआरएनए पर क्या होता है, उस पर होता है कोडोन्स, ठीक है, और टीआरएनए पर क्या होता है, एंटीकोडोन्स, ठीक है? यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि एक आर्म पे तुम क्या एंटीकोडोन्स बना दो, ठीक है? तो ये बन गया एंटीकोडोन, तो इसको अपन एंटीकोडोन आर्म भी बोलते हैं, ठीक है? ये देखो एंटीकोडोन है UCA, और ये अपना एमआरएनए है, ठीक है? एमआरएनए पे क्या बन गए, कोडोन्स, तो इन और कोडोन्स एंटीकोडोन्स के बीच में क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग, ठीक है? तो देखो नाम के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्या करना है, इसमें आर्म्स बनानी, सबसे पहले एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करवाने के लिए एक आर्म्स बना दो जिसका नाम हो गया एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, या फिर एक्सेप्टर आर्म भी बोल देना, एक तुम बना देना एंटीकोडोन की आर्म, ठीक है? ये मैं नाम याद करवाने के बोल रही हूँ, ठीक है? और एक बनाना है डी और टी, डी से डी लूप और टी से टी लूप, किसी कोई कोई इसको ना डी एच फाई लूप ऐसे करके भी बोलते हैं,
तो ये अपने काम की नहीं थी, मेन तो अपने काम की ये वाली दोनों थी, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या हो रहा है, कोडोन्स के साथ बेस पेयरिंग होगी और ये अपने अमीनो एसिड को लेके आएगा, तो मेन तो ये है, ठीक है। फिर ये अपनी वेरिएबल आर्म, ठीक है। तो वेरिएबल आर्म इसका कोई ऐसा नॉन फंक्शन है नहीं। उसके बाद में देखो सेक्स डिटर्मिनेशन देखना था, अपना क्वेश्चन चल रहा था। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन क्या था, टीआरएनए के टाइप्स बताने थे, टीआरएनए सॉरी आरएनए के टाइप्स बताने थे और टीआरएनए का डायग्राम करना था, वो अपन ने कर लिया, ठीक है। उसको कहाँ से कहाँ लेके चले गए थे अपने, याद करो, सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी से शुरू हुए थे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब चल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से डिस्कस करना रह गया, कि जब अपना रेप्लिकेशन होता है ना, तब अपने जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए के क्या होते हैं, डीएनए के होते हैं अपने दो स्ट्रैंड, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड होते हैं, उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे, इन द रेप्लिकेशन। यानी कोई बोले कि रेप्लिकेशन में एज अ टेम्पलेट कितने स्ट्रैंड काम करते हैं, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने प्रॉपर एक हेडिंग लगा के ये क्वेश्चन लिख रखा है कि अपने ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि अपने अनुलेखन में क्या होता है, सिर्फ जो एक टेम्पलेट होता है वो, एक अपना जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट के रूप में काम क्यों करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी बता दीजिए मैम, ठीक है। इस चैप्टर के डायग्राम क्या, इस चैप्टर में देखो जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहले देखो शुरू हो रहे हैं चैप्टर्स डायग्राम्स के, वो ट्रांसक्रिप्शन में जो तीन स्टेप के डायग्राम्स हैं ना, इनिशिएशन वाला और इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन वाला, वो डायग्राम्स देख लेना। और एक तुम देख लेना जब अपनी स्प्लाइसिंग होती है, संबंधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। स्प्लाइसिंग होती है तो उसमें क्या होती है, कैपिंग और टेलिंग होती है, मतलब आच्छादन और पुच्छन होता है, हिंदी में बता देती हूँ, इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। और उसमें क्या होता है, 5-7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट की कैप लगती है और पोली ए टेल का अपनी टेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इनका एक डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी याद करना। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट डायग्राम में ट्रांसलेशन में इतना कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है उसका, तुम ये टीआरएनए वाला तो ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ट्रांसक्रिप्शन वाला डायग्राम देख लेना, वो तो मैंने बोल ही दिया। उसके अलावा तुम कौन सा डायग्राम देखोगे, हाँ एक रेप्लिकेशन फोक का डायग्राम है, वो भी अच्छे से देख लेना। और उसके बाद तुम देखना एक, वो जो एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है तुम्हारे, कि ना अनुलेखन इकाइयों को और उसके विभिन्न भागों को समझाइए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बताना है, उसमें क्या प्रमोटर टर्मिनेटर और अपनी स्ट्रक्चरल जीन होती है, मतलब कि प्रमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चर जीन मतलब संरचनात्मक जीन होती है, तो उसका एक डायग्राम है जिसमें अपने को टेम्पलेट वाली और कोडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड दिखा रखी है, 5-3 डायरेक्शन वगैरह, ये मैंने उस चैप्टर में बता रखी है एकदम अच्छे से। तो किसी को रिवाइज करना हो तो वहाँ चले जाना, और सिर्फ ये जानना हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो फिर ये वाला तुम भी कर लेना, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्ट्रक्चरल जीन वगैरह ये सब देख लेना। उसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना तुम, कि जो डायरेक्शन है ना 3 से 5 और 5 से 3, उसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना टेम्पलेट की और कोडिंग स्ट्रैंड की, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म ये भी थी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना वो एक्चुअल में कोड नहीं करता, ये भी तुम्हें पता होगी कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड ये जो नाम है ना सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पूरा एनसीईआरटी में तुम्हें लाइन दे रखी है, तो इसको भी देख लेना। और डायग्राम्स में और डीएनए का जो मॉडल्स है स्टार्टिंग वाला अपने हेलिक्स वाला, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेना। उसमें जो डायमीटर्स है वो अपने इंपॉर्टेंट है, 20 एंगस्ट्रम उनके बीच का होता है, फिर 34 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि ऐसे बोल देगा कि पूरा मॉडल बनाओ और साथ में उसकी क्वालिटीज़ विशेषताएं वगैरह लिख दो, ठीक है, वहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद में तो, और उसके बाद में अपने न्यूक्लियोसोम वाला डायग्राम है ना, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है और अपने H1 हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, डीएनए साइड में ओवरलैप्ड होता है, डीएनए की पैकेजिंग में एक क्वेश्चन आया था, तो ठीक है उस डायग्राम को भी तुम अच्छे से देख लेना। और डीएनए की पैकेजिंग हो गई, उसके बाद में वो तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना हर्से और चैश और माथा वाला, माथा चैश, उसका तो मतलब स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें स्टेप्स याद कर लेना कि सबसे पहले इन्फेक्शन होती है, देन ब्लेंडिंग होती है, देन सेंट्रिफ्यूगेशन होता है। और तो इतने ही डायग्राम है यहाँ पे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, ठीक है।
अरे बच्चे तुम लड़ रहे हो क्या, मेरे को ये बताओ। ठीक है ठीक है, तो तुम इस चैप्टर से ये देख लेना। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ अपने सेक्सुअल ये अपना चल रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस में, सेक्स डिटर्मिनेशन तो सबको पता ही है। ठीक है, और अपने देख लेते हैं किसके अंदर, सबसे पहले अपने पक्षियों में देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बता दो कि पक्षियों में जो चूजे बनते हैं, उन चूजों का जो सेक्स होगा वो मेल होगा फीमेल होगा, उसको डिसाइड कौन करता है? जैसे अपन में कौन डिसाइड करता है कि मेल बेबी बनेगा फीमेल बेबी, तो ऑब्वियसली अपने को तो पता है अपना, अपने फादर डिसाइड करते हैं। फादर के जो स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड होता है उससे। ठीक है, और इनमें क्या होता है, फीमेल पक्षियों में क्या होता है, चूजे का जो लिंग होता है वो निर्धारित होता है किसके द्वारा, उसकी माँ के द्वारा। मींस यहाँ पे मदर होती है, वो डिसाइड करती है कि मेरा जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल हो गया। तो मेरे को तो बेस्ट एग्जांपल लगता है कि ऐसे कोई पूछ ही लेना कि फीमेल बर्ड्स के अंदर कौन रखता है, तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक ही कर जाता है कि बर्ड्स में कौन डिसाइड करता है। क्योंकि नॉर्मली अपन ने ये सुना होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है, फीमेल के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये एक फीमेल डोमिनेंसी मुझे यहाँ दिखाई देती है कि फीमेल्स यहाँ पर डिसाइड करती है कि अपना बेबी का क्या सेक्स होगा। ठीक है, मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है अपने, इसको अपने बोलते हैं हिंदी में फीमेल हिटेरोगैमिटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फीमेल हिटेरोगैमिटी, हिटेरोगैमिटी। ठीक है, यानी कि मादा विषम युग्मकता, मादा विषम युग्मकता, मादा विषम युग्मकता। ठीक है, कि अब हो गई मादा विषम युग्मकता, यानी कि मादा क्या करती है, फीमेल क्या करती है, वो बनाती है अलग अलग टाइप के गैमेट्स। जैसे अपने मेल में स्पर्म बनता है वो क्या करता है, एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग होता है, एक वाई होता है, तो वैसे ही फीमेल्स में क्या होता है, एक अपने जेड डब्ल्यू और जेड टाइप, मतलब जेड और एक डब्ल्यू टाइप का यहाँ पे होता है। तो कोई पूछ ले कि इसमें कौन से टाइप का होता है, जैसे अपने मेल्स में क्या होता है, अपने ह्यूमंस में क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप का होता है ना ह्यूमंस के अंदर, तो वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अपने होता है कौन से टाइप का, जेड डब्लू जेड जेड टाइप का, जेड जेड डब्लू जेड जेड टाइप, ऐसे पूछ लेना, मतलब प्रॉपर लिखा हुआ है तो बोल देना जेड डब्लू जेड। और हमेशा ना मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पहले लिखा जाता है ना, ये पहला जो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं ना, जैसे मेल में अपने ह्यूमंस में मैं बोलती हूँ एक्स वाई एक्स एक्स टाइप का, यानी कि पहले एक्स वाई लिखती हूँ क्योंकि वो क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे वहां से। और यहाँ पे क्या होगा, जेड डब्ल्यू लिख रही हूँ पहले, यानी कि ये क्या है, फीमेल है और ये अपना मेल है। ठीक है, तो जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप का अपने क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, हो गया। अब देखो फीमेल है जेड डब्ल्यू टाइप की है, इधर है जेड जेड टाइप का, तो ऑब्वियसली ये तो तुम्हें बनाना आता है, ये जेड डब्ल्यू और इधर ये जेड, तो ये जेड जेड बनेगा वो तो क्या होगा, अपना मेल, और अपना जेड डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, फीमेल। ठीक है, बहुत सिंपल। ये तो तुम्हें याद क्या करना था, दो टर्म्स तुम्हें आदत नहीं थी कि जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप का होता है और यहाँ पे फीमेल हिटेरोगैमिटी प्रेजेंट होती है, मतलब मादा विषम युग्मकता प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। उसके बाद अपन क्या देख रहे थे, हाँ 20 के अंदर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि 20 होगी मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। ठीक है, तो मुझे पहले तो ये बताऊँ कि मेल मधुमक्खी में क्या होता है, एक तो होता है अपना नर मधुमक्खी, एक होती है अपनी मादा मधुमक्खी, मतलब एक तो होता है अपना मेल भी और एक होता है अपना फीमेल भी। ठीक है, मेल भी होता है उसको अपने बोलते क्या है, ड्रोन बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। और उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं मुझे ये बता दो जल्दी से लिख के, कि उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने, 16। ठीक है, यानी कि जो मेल भी है उनमें क्या होंगे, 16 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और जो फीमेल भी होती है, फीमेल भी में क्या होते हैं, उनमें होते हैं अपने कितने, 32, यानी कि 32 अपने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल भी में क्या होते हैं, 32, और मेल में क्या होता है, एन बराबर 16 होता है, उधर एन बराबर 32 होता है। ठीक है, उसमें क्या हो, फीमेल्स होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो होता है वर्कर और एक होती है अपनी कौन सी वाली, जो क्वीन होती है। ठीक है, वर्कर और क्वीन होती है, वो डिसाइड होता है कि वो जब डेवलप हो रही है तो वो कौन सा फूड ले रही है, रॉयल जेली ले रही है या फिर वैक्स का यूज़ हो रहा है, तो फिर रॉयल जेली कोई लेता है, वो रॉयल जेली खा रही है तो फिर वो क्वीन बनती है आगे,
और वर्कर्स क्या होते हैं जो वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका डिटर्मिनेशन होता है। इसमें क्या देखो, डिप्लोइड फीमेल भी है, यानी कि अपने पास क्या 32 क्रोमोजोम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं 32, डिप्लोइड फीमेल भी यानी कि 32 और हैप्लॉइड मेल यानी कि 16, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो मेल अपना ड्रॉन बनने वाला है वो क्या 16 नंबर उसके होंगे, ठीक है। उसमें अब 16 है तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसे तो बोलेगा नहीं, मैम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए अपने को स्पर्म वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे मियोसिस करवा दो। जब एक्चुअल में ये 32 है, ये 16 है, इसको मैं कोई 8 क्रोमोसोम का तो बनाने से रही, तो इसमें क्या होता है, नो मियोसिस, यानी कि मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस नहीं होता तो फिर क्या होगा कि अपने फर्टिलाइजेशन, इसमें इसमें क्या होगा, मियोसिस हो रहा है और इसमें मियोसिस नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें मियोसिस होने से एग्स बन रहे हैं और इसमें क्या होता है, स्पर्म बन रहे हैं, यानी 16 से 16 के स्पर्म बने और यहाँ पे क्या अपने मियोसिस हुआ तो फिर यहाँ पे 32 से अपने 16 के अपने एग्स बन गए, और 16 16 जब फर्टिलाइज होके बने तो डिप्लॉयड फीमेल भी, याद रखना कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ क्या बन रही है, फीमेल भी बन रही है और डिप्लॉयड बन गई, मतलब 32 वापस क्रोमोसोम इसके पास रिजर्व रह गए, यानी कि अपने सही चल रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर डिप्लॉयड भी नहीं क्या किया, मियोसिस किया, एक्स बनाया, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, वो क्या होंगे, ऑब्वियसली हैप्लॉयड मेल बीज बन जाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, एक अपना क्वेश्चन रह गया था वेरिएशंस वाला, ठीक है। वेरिएशंस में देखो क्या होते हैं, वेरिएशंस होती है, वेरिएशंस कैन बी डिफाइंड एज एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो भी डिफरेंस आ रहे हैं, कोई भी स्पीसीज ऑफ ग्रुप्स में, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स में, या फिर किसी पॉपुलिटी में, पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, ये सब वेरिएशंस में आते हैं। वेरिएशंस क्यों होंगी, म्यूटेशन से होती है, म्यूटेशन से ये देख लो, म्यूटेशन क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वेरिएशन, ये विजिबल है ना प्रॉपर, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन है अपना अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, बट मैगेनिज्म सच एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जीन फ्लो कॉन्ट्रीब्यूट टू इट वेल, यानी कि इनमें भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब ये होता है तो अपने म्यूटेशन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। द डिफरेंस कैन बी कॉज्ड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर विच आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल वेरिएशंस, ठीक है। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल वेरिएशंस आ रही है तो वो कौन कॉज करेगा, वो करेगा अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। द वेरिएशन पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इनहेरिटेड वेरिएशन। तो अपने नॉर्मली जिन वेरिएशंस की बात करते हैं, ठीक है, वो वेरिएशंस क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती है। उसके बाद डिफरेंस कितने कितने टाइप की अपनी वेरिएशंस होती है, अपनी वेरिएशंस होती है, अपनी वेरिएशंस कितने टाइप की होती है, अपने होती है, सबसे पहले तो अपने को पता है कि सोमेटिक और अपनी क्या बोलते हैं उसको, जेनरेटिव टाइप की, सोमेटिक और जेनरेटिव टाइप की वेरिएशंस भी होती हैं और अपनी डिसकॉन्टीन्यूअस और कॉन्टीन्यूअस टाइप की वेरिएशंस भी होती हैं। इसके अलावा सोमेटिक और इसके अलावा भी क्या होती है, एक तो सोमेटिक और एक अपनी जेनेटिक, सोमेटिक और जेनेटिक नहीं बोलते इसको, ठीक है। एक तो बोलते सोमेटिक मतलब कायिक, कायिक विभिन्नताएं, और एक होती है अपनी जननिक विभिन्नताएं, ठीक है। कायिक विभिन्नताएं मतलब किस में आएगी, ये अपनी सोमेटिक सेल में, यानी कि कायिक सेल में आएगी, सोमेटिक सेल में, और ये अपने आती है जो अपनी रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, उनके अंदर अपनी आती है इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। और कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस हैं, इनको भी तुम्हें नॉर्मली थोड़ा सा देख लेना, विजिबल है, ओके। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में इतना नहीं देखना, तुम बस टाइप्स बता देना, इसमें बोल देना स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द इनविजिबल्स, और इसमें क्या होता है, ये क्लास्ड और कैटराइज्ड होती है, इसमें देख लेना, एग्जाम्पल देख लेना बस तुम, कि एग्जाम्पल, और एक चीज़ और देख लेना, कंटिन्यूस वेरिएशंस होती है वो एनवायरमेंटल के द्वारा अफेक्टेड होती है और ये अपने अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है, नॉट ग्रेट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। जो सतत विभिन्नताएं होती हैं वो अपनी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसमें क्या होती है, जैसे हाइट हुआ, शू लेंथ ऑफ हेयर्स वगैरह, ये क्या एनवायरमेंटल के द्वारा इफेक्ट होंगे। अब जैसे मान लो लेंथ ऑफ हेयर है, कहीं का पानी कहीं का कैसा ही होता है, कहीं का कैसा होता है, अपनी हेयर की लेंथ इफेक्ट हो जाती है ना एनवायरमेंट से, लेकिन अपने ये देखो ब्लड ग्रुप हुआ, सेक्स हुआ, आई कलर हुआ, ये कोई एनवायरमेंटल से थोड़ी है कि मैं पहले मेरा आई कलर बहुत अलग था,
पहले कोई ब्लू कलर था, मेरा ब्राउन कलर हो गया है, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, तो अपना ये एनवायरमेंट से अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। ओके ओके, तो ये अपन ने कर लिया आज का पूरा पेपर, ठीक है, आज का पूरा पेपर हो गया अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए भी, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अपन कल बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे, कल श्रेया मैम करेगी और परसों मैं वापस बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करूँगी। तो अपने क्लास का टाइम टेबल ऐसे है कि 2 से 4 क्या होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की अल्टरनेट क्लास होती है, और फिर 4 से 5 के बीच में अपनी इंग्लिश की क्लास चलती है, और अपनी 5 से 7 तक चलेगी अपनी बोटिंग की क्लास, एक दिन पढ़ाएगी श्रेया मैम और एक दिन पढ़ाऊंगी मैं, और अभी अपनी चलेगी 10th साइंस की क्लास, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।